ओवर द ग्लोब की एक और वीडियो में आप सबका खुश आमदीद। तो आज की वीडियो में बात करने वाले सांपों के बारे में और हम जानेंगे सांपों के बारे में 10 सरानकुन बातें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, जानते हैं कि आज की उर्दू ग्लोब की वीडियो में सांपों के बारे में 10 सरानकुन बातें कौन सी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दुनिया का कौन सा मुल्क है जहाँ पे सबसे ज्यादा सांप पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं जो भी अमेरिका के मुल्क मैक्सिको में सबसे ज्यादा सांप पाए जाते हैं। मैक्सिको में सांपों की 394 सांप पाए जाते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर ब्राजील का जहाँ पे सांपों की 384 सांप पाई जाती है। और इसके बाद तीसरा नंबर इंडिया का जहाँ पे सांपों की 350 सांप पाई जाती हैं। चलिए इस दूसरे फैक्ट में बात करते हैं कि दुनिया के कौन से मुल्क है जहाँ पे सांप नहीं पाए जाते। दुनिया के ऐसे मुल्कों में आयरलैंड, न्यूजीलैंड, आइसलैंड और ग्रीनलैंड का नाम आता है जहाँ पे सांप बिल्कुल भी नहीं पाए जाते। इसके बाद एक ऐसा बरियाजम जहाँ पे सांप नहीं पाए जाते वो अंटार्कटिका है जहाँ पे सांप बिल्कुल भी नहीं पाए जाते। चलिए सांपों के बारे में तीसरी बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि ब्राजील का एक जजीरा ऐसा भी जिसे स्नेक आइलैंड कहते हैं और इस आइलैंड में इंसानों की तादाद बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे इंसानों को जाने की इजाजत भी नहीं है और ये ब्राजील के साहिल इलाके से 33 किलोमीटर के फासले में मौजूद है जहाँ पे सांपों की तादाद 430,000 से ज्यादा है। और ये सांपों की बहुत बड़ी तादाद जो कि इस जजीरे पर रहती है और ये जजीरा काफी खतरनाक है। चलिए सांपों के बारे में चौथी बात करते हैं और आपको बता, दुनिया के सबसे बड़े सांप का पता कब लगा था। क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे बड़े सांप का पता 1912 में लगा था और ये सांप इंडोनेशिया में पाया गया था। इस सांप की लंबाई 32 फीट 9.5 इंच थी और इस सांप को रेटिकुलेटेड पाइथन के नाम से जाना जाता है। चलिए सांपों के बारे में पांचवी बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे जहरीला सांप कौन सा है। दुनिया का सबसे जहरीला सांप इनलैंड टाइपन है और ये सांप ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है जहाँ ऑस्ट्रेलिया के मगरबी इलाकों में इस सांप की काफी तादाद मौजूद है और ये सांप सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। चलिए सांपों के बारे में छठी बात करते हैं और आपको बताते हैं सांपों की उम्र अमूमन कितनी होती है। क्या आप जानते हैं कि सांपों की उम्र अमूमन 20 से 30 साल होती है। और यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि दुनिया की सबसे लंबी उम्र पाने वाले सांपों की एक किस्म बाल पाइथन है जिसकी उम्र 25 से 30 साल के दरमियान होती है। चलिए सांपों के बारे में सातवीं बात करते हैं। क्या आप जानते हैं सांप अपनी जबान के जरिए सूंघते हैं। इंसान अमूमन अपने मुंह को खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं लेकिन सांप अपने मुंह को सूंघने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जहाँ सांप के मुंह में एक ऐसा ऑर्गन होता है जिससे जैकबसन ऑर्गन कहते हैं, सांप इस ऑर्गन के जरिए सूंघते हैं। चलिए उर्दू ग्लोब की इस वीडियो के आठवें फैक्ट में बात करते हैं कि सांप कितना पानी पीते हैं। क्या आप जानते हैं कि सांप बहुत कम पानी पीते हैं और अमूमन ऐसा होता है कि सांप काफी अरसा पानी पे बगैर रहते हैं जहाँ सांप पानी पी भी सकते हैं और इसके अलावा पानी को जज़्ब भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि सांप रेगिस्तान में भी पाए जाते हैं और रेगिस्तान में पानी बहुत कम मिलता है इसलिए सांप काफी लंबा अरसा पानी पे बगैर रह सकते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि बहुत से सांप पानी पिए बगैर अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। चलिए नौवीं फैक्ट में बात करते हैं कि दुनिया का ऐसा कौन सा मुल्क है जहाँ पे सांपों के काटने के बहुत ज्यादा वाकयात रिकॉर्ड होते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सांपों के काटने के सबसे ज्यादा वाकयात भारत में रिकॉर्ड होते हैं जहाँ भारत में हर साल 58,000 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत सांप के काटने से हो जाती है। चलिए इस दसवें फैक्ट में बात करते हैं हैरान कन वाकई। क्या आप जानते हैं कि 18 अगस्त को एक वाकया पेश आया था जिसमें एक 2 साल के बच्चे को सांप ने काट लिया और इस बच्चे ने जवाबी हमले में सांप को काट लिया जिसमें सांप की मौत हो गई थी। यह वाकया काफी हैरान कन है जिसके बारे में सोशल मीडिया पे काफी बात हुई थी। तो उर्दू ग्लोब की इस वीडियो में सांप के बारे में 10 हैरान कन बातें जानी। उर्दू ग्लोब की अगली वीडियो में किसी और बारे में बात करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हमारे चैनल भी आपको ऐसी मालूमती मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप इन दोनों में से किसी एक वीडियो को सिलेक्ट करिए और देखते रहिए उर्दू ग्लोब।